सरकार भले ही ट्रेन में सुरक्षित सफर मुहैया कराने का दावा करे, लेकिन हकीकत डराने वाली है। ट्रेन में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। नोएडा के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीपक शुक्ला भी ट्रेन में बदमाशों की गुंडागर्दी का शिकार हुए। दीपक शुक्ला को बदमाशों ने दिल्ली में ओखला के पास चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। घटना में दीपक के दोनों पैर कट गए हैं। फिलहाल उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों के मुताबिक दीपक 5 सितंबर को इंदौर निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस में कोटा से दिल्ली के लिए सवार हुए थे। ट्रेन में जगह नहीं होने की वजह से वो जनरल कोच में सफर कर रहे थे। इसी दौरान ओखला के पास ट्रेन की धीमी रफ्तार होने पर 3 से 4 बदमाश जनरल कोच में चढ़ गए। इनके हाथ में लाठियां थी। उन्होंने कोच में यात्रियों से लूटपाट शुरू कर दी। दीपक ने लूटपाट का विरोध किया तो उसका मोबाइल छीना और उसे चलती ट्रेन से कोच से बाहर फेंक दिया गया। इससे दीपक के दोनों पैर के पंजे के पास से कट गए हैं और ये दिखाता है कि डर नहीं है और बेखौफ तरीके से बदमाश ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, लाठी डंडों के बल पर लूटपाट की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति बना करता है तो उसे नीचे फेंक दिया जाता है। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए। राहुल, रेलवे की सुरक्षा पर ये बहुत बड़ा सवाल है और ऐसा लग रहा है कि हम 2019 में नहीं जी रहे हो, किसी पुराने जमाने में हो जहां बड़ी आसानी से कोई व्यक्ति घुसते ट्रेन के अंदर और लूटपाट कर लेते हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं कि ये रेलवे की सुरक्षा पे बड़ा सवालिया निशान है और साथ ही साथ इसलिए भी बड़ा सवालिया निशान इसलिए खड़ा हो जाता है कि ऐसी घटनाएं इस जगह पे आम है। यहाँ पे हमेशा ऐसी घटनाएं घटती हैं। जब मैं हॉस्पिटल में आया, उनके परिजनों से मिलने के लिए आया और यहाँ पे जो केयर टेकर हैं, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो देखती हैं अपोलो हॉस्पिटल का, जब उनसे मैं केवल इसके बारे में जानकारी दिया तो उन्होंने खुद अपनी उन्होंने भी कहा कि मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं घटी थी कि मैं जब वहां से भोपाल से जब आ रही थी मैं और जब ओखला के पास मैं पहुंची मैं तो वहां पे मेरे पर्स को स्नैच करके और चले गए, उसमें सारे के सारे मेरे डॉक्यूमेंट चले गए। तो ऐसी घटनाएं यहाँ पे आम है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि जो दीपक शुक्ला है, दीपक शुक्ला वहाँ इंदौर जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसमें चढ़े थे और उस इंटरसिटी एक्सप्रेस से जब ये ओखला के पास में चले आए थे वहां पे, तो वहां लूटपाट हो रहा था और लूटपाट का इन्होंने जब विरोध किया तो उनको चलती हुई ट्रेन से इन सबों ने उठा करके और फेंक दिया था, बाहर फेंक दिया था। हालांकि क्योंकि ये महाकाल के भक्त थे, जैसा इनके परिजन बता रहे हैं कि ये महाकाल के भक्त थे, इन्होंने वहाँ कुछ लड़के और भी थे जो कि वहां से महाकाल का दर्शन करके साथ में चले थे, तो उनके साथ इनकी दोस्ती हो गई थी। फिर उसके बाद ट्रेन से जब इनको फेंक दिया था तो उन लड़कों ने चेन पुलिंग की थी और चेन पुलिंग करके पैदल ये आए वहां पे जिस जगह पे दीपक शुक्ला गिरे हुए थे और उसके बाद वहां से उनकी जो है हेल्प यहाँ पे की गई और अभी इस समय अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पे ये भर्ती हैं, इनका भी इस समय इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, सवालिया निशान इसलिए खड़ा होता है कि यहाँ पे आरपीएफ आखिर में क्या करती है, जो रेलवे पुलिस है आखिर में क्या काम करती है। ये घटनाएं जब यहाँ पे आम है, यहाँ पे ऐसी तरीके की घटनाएं डेली यदि होती रहती हैं तो आखिर में उन घटनाओं के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाया जाता है। हर एक डब्बे हर एक कोच में यहाँ हमेशा जो है पुलिस के जवान, जो आरपीएफ के जवान है और जीआरपी के जवान है, ये सारे के सारे रहते हैं। आखिर में इन जगहों पे जब ट्रेन पहुंचती है तो आखिर में वो कहाँ रहते हैं, ये सब चीजें एक बड़ा सवाल है कि आखिर में इसका जवाब सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि इन्हें देना पड़ेगा, प्रशासन को भी देना पड़ेगा, साथ में जो रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था है उनको साथ साथ देना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं, क्योंकि 35 साल की महज उम्र है। राहुल, इसमें और भी यात्री होंगे, क्या किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई अभी तक इस मामले को लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर के नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ऐसी जो घटनाएं होती रहती हैं इन घटनाओं को लेकर के हमेशा शिकायतें हुई हैं। मैं वही बता रहा था कि जो जिन लेडीज से यहाँ पे पर्स का स्नैचिंग हुई थी उन्होंने भी FIR यहाँ पे दर्ज कराई थी, यहाँ सब कुछ कराया। ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती हैं, ऐसी FIR भी इन लोगों की तरफ से दर्ज कराया जाता है, लेकिन वही ढाक के 3-5 की आखिर में उधर में काम आखिर में प्रशासन क्यों नहीं सुध लेता है और आखिर जब ऐसी जगहों पे जो सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे इस तरीके की वारदात हमेशा होती रहती है, उन जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था को क्यों नहीं चाकचौबंद किया जाता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि 37 साल महज एक उम्र है इस जो नौजवान की, 37, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा में ये रहते हैं। ये इन्होंने अभी जॉब चेंज किया था, जॉब चेंज करने के बाद ये घर की तरफ गए थे, घर पे गए जा करके और फिर उसके बाद ये वापस लौट रहे थे, तब ये पूरी की पूरी घटना हुई है। सबसे बड़ी चीज है कि ये होने के बाद भी इनको ले करके आ करके पहुंचाने का सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि किसी भी तरीके से प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया था कि इनको ले जा करके हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, ये एक बड़ा सवालिया निशान होता है कि आखिर में
जब ये ऐसी घटना हुई है तो आखिर में प्रशासन क्यों विशुद्ध बैठा रहता है, प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है, प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था नहीं की क्यों नहीं की जाती है कि ऐसी घटनाएं न घटे और आम आदमी जो है वो जब कहीं से भी आता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, भले वो किसी भी साधन से चल रहा है, यदि ट्रेन से यदि आ रहा है तो बहुत बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं इस घटना के बाद से, और बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, शिकायतें भी होती हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा यहाँ पर नहीं दी जा रही, खासकर इस इलाके में, तो फिर सवाल उठेंगे रेलवे की सुरक्षा पर।